हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग इज हियर विद मंजुला। मैं मंजुला का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी हम चल रहे हैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। और अभी आगे देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा है, कुछ अलग सा है, डोंट नो, कुछ इतना आइडिया नहीं है मुझे, तो हम वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं क्या है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग इज हियर विद मंजुला। मैं मंजुला का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिए गए बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की वीडियो चल रही है, तो ये एनिवर्सरी की मेरी लास्ट सेलिब्रेशन है, मतलब मेन सेलिब्रेशन है, जो रात में हम कर रहे जा रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं है, तो सारे सेंट्स में नहीं है, वो कहीं और है बाहर। तो हम चलते हैं कहाँ पे है, देखते हैं क्या क्या हुआ है वहाँ। हम सब चल रहे हैं, तो देखिए अब हम लोग चल रहे हैं सेलिब्रेशंस के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या क्या प्लानिंग की है मेरे लिए। सब कुछ मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए प्लान किया है। ये शाम का जो सेलिब्रेशन है, ये मेरे लिए सरप्राइज़ है। मतलब इतना तो पता था मुझे कि कुछ सेलिब्रेशन होना है, लेकिन क्या होना है, कहाँ पर होना है, कैसे होना है, वो चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो बस अब हम चल रहे हैं उस सेलिब्रेशन के लिए। पूला मतलब मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे कि क्या क्या करने वाले हैं ये। तो बस सब कुछ मेरे लिए बहुत है। चलिए हम चलते देखते हैं क्या क्या सरप्राइज़ इन्होंने प्लान कर रखी है मेरे लिए। तो देखिए हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, जहाँ पे इन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया है। अभी बस मुझे ये बाहर का एरिया दिख रहा है, ये एंट्रेंस है वहाँ पे। होटल इसका प्रमोद कन्वेंशन नाम है, बहुत ही अच्छा होटल है ये, पूरी में एक रिसोर्ट एंड होटल है, बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। आगे मेरी आइज़ क्लोज हैं, तो मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो चलिए अब आगे देखिए आप कि आगे में क्या हो रहा है। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। वाव, सो ब्यूटीफुल, रियली थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी, आई कांट एक्सपेक्ट। तो ये सरप्राइज मेरा सरप्राइज डेकोरेशन है, और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा फास्ट में दिखा रही हूँ। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी है मैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, या आई बटन पे भी दे दूँगी। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन, आप वहाँ पे देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ मैं बहुत लंबा नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अभी बहुत कुछ शेयर करना बाकी है। सो अगर आपको ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप कुछ डिटेल चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये देखिए, ये मेरा एनिवर्सरी का लुक है, जो फुल लुक है, सरारा सूट है एक लाइट पिंक में सीक्वेंस वर्क में। और ये देखिए, ये मेरे डियर हस्बैंड जी का एनिवर्सरी लुक है। ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, लुकिंग हैंडसम। Beautiful flowers for beautiful lady. Thank you. So beautiful ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। बस इसी से काम चलेगा? नहीं, अभी और भी surprises हैं। Wow. I'm waiting. मुझे लगा इस बार flowers से ही काम चलाना। नहीं नहीं, flowers से काम नहीं चलाना। है ना बहुत प्यारा? मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या मिलता है। Time for my third surprise for you. One more surprise. लग तो बहुत सुंदर रहा है, ओपन करते देखते हैं क्या है। ब्यूटीफुल बॉक्स, वाओ रिंग, सो ब्यूटीफुल। ओह ऑलरेडी पहना हुआ है। कोई बात नहीं, इसके लिए जगह बना लेते हैं। नहीं निकल रहा है, मैं निकालूं? नहीं निकल जाएगा, थोड़ा टाइट है।
वाओ सो ब्यूटीफुल। तो अभी देखिए सूप आया है, अब और हम लोग सूप पी रहे हैं, लेकिन कुछ और भी रखा हुआ है वो, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं, मुझे देखना है क्या है। देखो एक बॉक्स और है, बड़ा है, देखो बड़ा है, क्या है, सरप्राइज है, सरप्राइज आफ्टर सूप। अभी सूप पियेंगे तब मिलेगा। चलिए फिर सूप पीते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं क्या मिल रहा है नेक्स्ट टाइम। तो हमने सूप पी लिया है। प्रियम हाय कर दो। हाय। आप तो पूरे टाइम बस मोबाइल देखते रहते हो, ब्लॉग से गायब रहते हो। अब गिफ्ट मिलेगा नेक्स्ट, आई एम वेटिंग। अब ये आपके फोर्थ गिफ्ट का टाइम है, चलो मम्मा को गिफ्ट देंगे, इसको बस को यहाँ रखो, वेटिंग। मम्मा प्लीज टेक केट, थैंक यू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। चलो खोलते हैं, चलो प्रियम खोलेंगे, खोलो प्रियम क्या है, रुको हम बताते हैं, ऐसे खोलते हैं। वाओ बैंगल्स बहुत ही प्यारे हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। आप लोगों को अगर याद होगा तो मुझे लास्ट ईयर भी बैंगल ही मिली थी, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारे हैं। स्प्रिंग रोल, तो अब हम स्प्रिंग रोल खाने जा रहे हैं, और उसके साथ बहुत ही यम्मी सी देखिए चटनी भी है, हॉट हॉट। देखिए हमारा नेक्स्ट स्नैक आया है, क्या है ये, लॉलीपॉप, पनीर लॉलीपॉप, बहुत ही यम्मी दिख रहा है। मैं तो इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी इससे पहले नहीं ट्राई किया, लेकिन देखने में बहुत डिलीशियस है। तो हमारा तो स्नैक से ही पेट भर गया है, काफ़ी हमने खा लिया है, और प्रियम बहुत परेशान कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अभी टाइम है, अभी इवन मान के चलिए कि 9:30 के आसपास हो रहा है, तो काफ़ी टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों के डेजर्ट लेंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम लेने के बाद हम जो अपना डिनर उसको पैक करवा रहे हैं, और अपने होटल में चल के जो जहाँ पर हम स्टे किए हैं, तो सारे सेंट्स पर चल के अभी थोड़ी देर बाद मतलब वहाँ पर खा लेंगे। अब डेजर्ट का टाइम है, मतलब जैसा कि मैंने बताया, तो अब हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। ये देखिए मेरी चॉकलेट फ्लेवर और इनकी बटर स्कॉच, मुझे बस चाहिए, इनको बस चाहिए। चलिए तो हम अभी रूम पे आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, मतलब जाने के बाद भी नहीं कर पाए। देखिए ये हमारा डिनर है, अभी डिनर करने जा रहे हैं, और मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साइड में दिए गए बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे आपको आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके, और मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको मेरा सेलिब्रेशन कैसा लगा।